गाइस, माय नेम इज पटेल पिंकी और आप सभी का स्वागत है वे टू टेक नॉलेज में। गाइस, आज हम देखने वाले हैं सीएसएस बॉर्डर कलर प्रॉपर्टीज के बारे में कि बॉर्डर कलर जो है वो कैसे हमको डिफाइन करना है वो हम देखेंगे। द बॉर्डर कलर सीएसएस प्रॉपर्टी डिफाइन द कलर ऑफ अ बॉर्डर। तो ये जो कलर प्रॉपर्टी है वो बॉर्डर को कलर डिफाइन करने के लिए होता है कि जो कलर प्रॉपर्टी है उसका यूज करके आपको जो कलर में बॉर्डर देना है वो आप दे सकते हो। तो इसकी एक ही प्रॉपर्टी है, खाली कलर कलर से ही आपको जो कलर डिफाइन करना है वो आप कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके का इसका सिंटेक्स है। H1 टैग के अंदर मैंने दिया है वॉटर कलर और उसको वैल्यू दी है येलो। तो आपको जितने कलर के नाम याद है उससे आप डिफाइन कर सकते हो। अगर आपको RBH मतलब रेड जो भी RBH कलर से डिफाइन करना है, मतलब करके करते हैं उससे करना है तो भी आप देख सकते हो। गाइस, मैंने आपको एक कलर के बारे में बताया था कि कितने कलर होते हैं, कौन कौन से टाइप से आप कलर यूज कर सकते हो। तो वो मैं आपको लिंक लास्ट में दे दूंगी, आप एक बार देख लेना और आई बटन पे क्लिक कर दीजिए। मैं आपको उसका वीडियो दे दूंगी, आप देख लेना और जो कलर है उसके बारे में सीख लेना। ठीक है, तो चलिए चलते हैं और इसके बारे में एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो चलिए हम आ गए अपने टेक्स्ट एडिटर पे और मैंने यहाँ पे एक कोड लिख के रखा है। तो सबसे पहले हम इसको रन करेंगे विदाउट सीएसएस। ठीक है, तो हम यहाँ पे सेव करेंगे और इसे रन करेंगे। ये देखिए यहाँ पे भी कोई भी इफेक्ट नहीं है, सिंपल सा एक कंटेंट है। H1 टैग के अंदर मैंने ये लिखा है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसमें सीएसएस अप्लाई करना है। वन बाय वन हम करेंगे। पहले हम देखेंगे कि उसमें हमने स्टाइल दिया है तो कौन से स्टाइल में आएगा। इनसेट दिया है तो ये इनसेट आ गया। तो अब हमें सेकेंड यहाँ पे अप्लाई करना है विड्थ। तो विड्थ हम अपने हिसाब से दे सकते हैं, जितना हमें देना है उतना। तो मैंने यहाँ पे 10% दिया है, 10 पिक्सल दिया है। और अब हमें यहाँ पे इसको कलर देना है, तो बॉर्डर का कलर हमें देना है। ठीक है, तो ये देखिए बॉर्डर का कलर इस तरीके से हम दे सकते हैं। आपको जो भी कलर करना है वो आप कर सकते हैं। लाइक मुझे रेड करना है, डार्क रेड है तो उसमें देखते हैं इस तरह के कलर आ जाएगा। सिंपल सा रेड करना है तो भी आप कर सकते हो, जो कलर आपको करना है वो। फिर वैल्यू देके जो करते हैं हम कलर का यूज, मतलब 255 255, मतलब वो व्हाइट कलर है, ब्लैक कलर है। 00 रखोगे हैशटैग करके FFFF तो व्हाइट कलर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप कलर का यूज कर सकते हो और आपको जिस तरीके से देना है वो आप दे सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको कलर के बारे में पता चल गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।